सो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा ये पता नहीं है क्या बोलना पड़ता है, कैसे बोलना पड़ता है, बट जैसा ही बोलूँगा बकचोदी भरपूर मिलेगी आप लोगों को। तो उस चीज़ को लेकर के आप लोग टेंशन ना लें, कि बात कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पे कमेंट करें अगर पसंद आओ तो आएगा। तो वैसे मैं ये ब्लॉग तभी डालूंगा जब मुझे लगेगा इसे रिकॉर्ड करने के बाद कि हाँ ये ब्लॉग ठीक ठाक बनी है, तो ही मैं डालूंगा इसमें। बाकी देखते हैं, ये दिस इज कोलकाता, पुलिस का भी चक्कर यहाँ पे बड़ा रहता है, बट अभी सुबह का टाइम और गली में तो खैर कोई नहीं पकड़ेगा। मतलब क्यों पकड़ेगा भाई, देख शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा। जी कहाँ चला आ रहा है लंड, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता है। खैर इन लोगों से तो रोज ही पाला पड़ता है यहाँ पे। मैं तो माइक टेस्ट के लिए अभी ब्लॉगिंग कर रहा था वैसे, क्योंकि अभी नई माइक मंगवाई है मैंने सोने की। अरे कहना क्या चाहते हो, अभी देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसे निकल के आती है। माइक की स्पीड ज़्यादा है नहीं वैसे तो, सेकंड और जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना, सुबह के समय है, बाइक की स्पीड ज़्यादा है नहीं। अभी देखते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। रिकॉर्डिंग ज़्यादा देर हो नहीं पाएगी, वैसे मैं गैरेज जा रहा हूँ अपना, जहाँ पे मेरी गैरेज है वहाँ पे मेरी फोर व्हीलर लगती है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद चेक करूँगा, भाई साहब माइक में आवाज़ कैसी आ रही है। अरे भीख मंगिया क्या देख रहे है? हाँ हलवा है क्या, दिहाड़ी लगा जा। एक तो यामाहा RX 100 लेजेंडरी बाइक के साथ एक अंकल आते हुए, बट ठीक है यार, मतलब है क्या। वैसे तो कोलकाता में बारिश वैसे ही है, जब मन तब जहाँ मन तहाँ कहीं भी हो जाती है, तो खैर उसको लेकर कुछ बोला नहीं। मालिक यार खुजला तो ले, लेकिन हमें मुंह नहीं पहुंचता ना, पाले नहीं पहुंचता। हम पाले तुमको, तुम हमको पालो। ये बात नहीं मालिक, अब यार पाले तो यार खुजा यार, ये थोड़ा ना जा सकता। ये देखो एक भैया जी अपने लेबराडोर को लेके घुमाते हुए जा रहे हैं, अंकल जी आधा रास्ता में हाथ देते हुए निकल के अपने चले जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है सामने से बाइक आए कार आए, ठीक है यार। माइक तो पता चल करनी पड़ेगी यार, रिकॉर्डिंग के बाद ही पता चल पाएगी कि आखिरकार ये ठीक से रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं हो रही है। अंकल जी तो अकबक आ गए यार, अंकल जी वैसे अंकल जी को कंफ्यूज हो गए कि जिन्हें जाना कहाँ है, बट ठीक है, अंकल जी अच्छे थे, बड़े प्यार से एक ही जगह पे खड़े रह गए, मैं साइड से निकल दिया। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन लो। और ये गलियों में घूमने में मजा तो ज्यादा नहीं आता है गाइस, क्या कर सकते हैं, बट ठीक है यार, अब जो है फिलहाल तो यहीं पे जाना पड़ेगा। वैसे लोग घूरते बहुत है ब्लॉगिंग करने में, कि इतना बिचता 4 किलो का हेलमेट टांग के इस पे क्या तार वार कैमरा वैमरा लगा करके ये लोग कर क्या रहे हैं बकचोदी इधर पे। हाँ बट बकचोदी तो है वैसे, किसी को भी देखने के बाद ऑकवर्ड तो लगेगा, बकचोदी हो क्या रहा है इधर पे यार। इस बाइक की ना सब ठीक है, बस पीछे वाली ब्रेकिंग से मुझे बड़ा डर लगता है। एक तो डिस्क ब्रेक है नहीं, आई मीन ABS है नहीं, ड्रम ब्रेक है, एक दिन समझ जाएंगे कि आखिरकार जब लोगों के पास खाली समय होता है तो वो यही सब बकचोदियाँ करते हैं। बट अभी मैं अपने गाड़ी के पास पहुंच तो गया हूँ, अब यहाँ के लोग अगर मुझे देख लेंगे अभी तो कुछ ज़्यादा ही, बट ठीक है। एक तो ये मेरी ब्लैक ब्यूटी, आप लोगों को तो पता ही है कि ये ब्लैक वाली बाइक आप लोगों को बहुत पसंद है, रील पे भी बहुत वायरल हुई है, तो ये जो बाइक है ये अच्छी दिखती है वैसे, ठीक है यार। यहाँ पे एक बिल्ली है, बिल्ली क्यूट है।
जाने भाई ई जे छौड़ा हो ना बड़का छड़मत्तू, मतलब एकर बुद्धि गाड़ के हमरा कोई ठीक नहीं लगो यार। ई कब का कर दे तू, कब का बोल दे तू, कोई ठीक नहीं हो। कुछ दिन पहले कहलू कोची कि हमारा एगो छौड़ी से ब्रेकअप हो गया है, ओकर अगला दिन कहलू कोची कि हम आईएएस के तैयारी कर रहे हैं, ओकर अगला दिन कहलू कोची कि हमारे 3 गो गर्लफ्रेंड हो गया है। अरे नौटंकी चली थी रे, आए छिनर पाना से फुर्सत मिली थोड़े कि आईएएस के तैयारी कर भी, आए दाल भात के को रही रे कि गप से मार ले ली मुहमा में रे, आए आईएएस के तैयारी कर मी रे, छौड़ी मौगी से फुर्सत हो रे, आए आईएएस के तैयारी करे वाला इलके तुम बड़का इले बड़का लकड़ सुंघा तो ही बहुत बड़ा नप तो फिर रे कि आईएएस बन जे भी ऐसे ही छिनर पाना कर करके। आ तुहनियो यार एकरा कमेंटवा में कुछ मत कहल करे कि पढ़ गन पढ़ इ ने पढ़े वाला हो, ये गु गिंज तो अंतिम में उहे कर तो। ये क्या हो गया, गेट खुल नहीं रही, खुल गई वैसे तो। तो ये रही गाइस, ये तो मेरी गाड़ी है, देखते हैं इसे, हमेशा निकाल नहीं पाता मैं इसे क्योंकि मैं अकेला चलाता हूँ, तो नहीं निकालूंगा, आधा ही निकालूंगा वैसे क्योंकि नीड नहीं है पूरी कवर उतारने की। रही अगर आप लोगों को लुक देखना है तो मैं आप लोगों को लुक ऐसे ही दिखा दूंगा सामने से, सामने से ही देखते हैं लोग इसे, तो देख लो गाइस सामने से ये ऐसी है मेरी गाड़ी। अगर मेरे YouTube चैनल के शॉर्ट्स पे अगर देखा होगा वीडियो तो उन्हें पता होगा कि मेरे पास एक प्यारी सी ब्लैक कलर की थार है जिसे मैं बहुत कम ही चलाता हूँ। नॉर्मली जब मैं घर को ट्रैवल करता हूँ तो अपने घर जाता हूँ इससे, फिर वहाँ पे चलती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत चलती है, ऑफिस ऑफिस कभी चला जाता हूँ मैं। चलो आज के ब्लॉग को तो अब यहीं से समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे गाड़ी थोड़ी चेक करनी पड़ेगी और हेलमेट मुझे उतारनी पड़ेगी, बहुत गर्मी लग रही है वैसे तो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।